जो फॉर्मेट है पेड़ लगाना और एक टेरेन को रिवाइटलाइज करना या चेंज द फेस ऑफ अ लैंडस्केप, ये कई जगहों पे यूटिलाइज किया गया होगा. आपने देखा होगा पीछे जैसे एक ब्राजीलियन कपल हैं जिन्होंने 15 साल में एक रेगिस्तान को हरा भरा जंगल बना दिया, सिर्फ दो लोगों ने मिलकर. बहुत ज़्यादा वो वायरल भी हो रहा था. फिर एक शख्स हैं आसाम से जिन्होंने अकेले 40 सालों तक हर दिन एक ट्री लगाया और बहुत बड़ा एक 40 सालों में जंगल जो है वहाँ पे ग्रो किया. जो ईशा योगा सेंटर है उन्होंने ऐसे ही कई रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्थापित किए. लगभग 3.5-4 करोड़ के बीच में जो हैं पेड़ लगाए. और जो वहाँ का जो वालनगिरी माउंटेन्स का जो वाटर साइकिल है, रेन साइकिल है, रिवरलेट्स फ्लो है, वाटर बॉडीज़ हैं, पूरा उन्होंने जिस तरह से उसको रिवाइटलाइज किया. तो ये जो एक फॉर्मेट है ट्रीज़ लगाना और रेन साइकिल को, ग्राउंड वाटर को उसमें कैप्चर करना, ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है उस पैमाने पे. अब ये जो है ये डेफिनेटली इन्होंने बहुत बड़ा एक लीप ऑफ फेथ ले लिया है आप कह लीजिए, या एक टारगेट बनाया हुआ है, एक एम्बिशन बनाया हुआ है 242 करोड़ पेड़ लगाने का. और पूरी की पूरी कावेरी को जो कि 40% से ज़्यादा सूख चुकी है उसको रिवाइटलाइज करने का बहुत, ये एक मिशन है जो 12 साल का इन्होंने टाइम दिया है खुद को. ये अभी लगता होगा कि हम लोग महाराष्ट्र में है, यहाँ इतना ड्राउट पड़ता है, कावेरी तो एक साउथ की नदी है, हम लोग कितना वरी करेंगे, किन चीज़ों के बारे में वरी करेंगे. जाहिर सी बात है इंसान खुद अपने आप में लगभग 60-70-80 साल तक जीता है. हम लोग कितना एनवायरनमेंट को, और हमने तो सब डिजास्टर नहीं किए हुए, हमसे भी पहले कितने लोग थे जिन्होंने भी, दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये फॉर्मेट इन 10-12 सालों में अगर सक्सेसफुल हो जाता है, लार्ज स्केल फॉर्मेट, तो दोस्तों हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये फॉर्मेट छोड़ के जा रहे हैं. हम अगर इसको अपने रहते हुए अगर हम लोग इसको सक्सेसफुल बनाते हैं तो ये एक फॉर्मेट बन जाएगा. फिर चाहे गंगा हो या ब्यास हो या केरला की बाढ़ हो या चेन्नई का या महाराष्ट्र का सूखा हो, ये फॉर्मेट अगर साइंटिफिकली प्रूव होके हम लोग इसको सक्सेसफुल बनाते हैं, कल को हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी राज्य प्रेजेंट कर सकता है. तो इसलिए इसकी महत्वता ये है कि हम एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए. और जहाँ जहाँ हम लोग हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करते हैं, ब्रिजेस बनाना या हॉस्पिटल बनाना, लेकिन उनकी क्या महत्वता है जब हमारा जीवन ही इस प्लैनेट पे नहीं होगा. तो इसको भी हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट पहलू बना के इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं. एंड इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हम सब एक मिलकर हो जाएं. और मे बी एक सिंगल ह्यूमन इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट इन स्कीम ऑफ थिंग्स, लेकिन आपने ये देखा हुआ है कि जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं दैट कॉन्शियसनेस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी वेरी जाइगेंटिक कॉन्शियसनेस विच कैन एक्चुअली कॉन्कर एनीथिंग. चाहे मैंने आपको बताया कितने सारे एग्जाम्पल, दो लोगों ने मिलकर पूरा जो है एक डेजर्ट को जंगल बना दिया, तो हम सब मिलकर क्यों कावेरी को रिवाइटलाइज नहीं कर सकते. और ये इतना खूबसूरत, ये जो एक प्लान है, साइंटिफिकली अप्रूव प्लान है, उसको हम प्रयोग में लाकर क्यों एक रियलिटी नहीं बना सकते हैं. मुझे लगता है हम डेफिनेटली बना सकते हैं. आप अगर हर साल भी एक इंसान 12 सालों तक एक एक ट्री भी डोनेट करता है, आज मैंने 1,00,000 ट्रीज डोनेट किए हैं, मैंने 42 लाख रुपीज़ डोनेट किए हैं. मेरा बस चलता तो मैं सारे के सारे 242 करोड़ ट्रीज मैं खुद डोनेट कर देती, लेकिन शायद किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए करोड़ों ट्रीज डोनेट करना पॉसिबल नहीं है. लेकिन करोड़ों इंडिविजुअल्स अगर एक एक ट्री डोनेट करते हैं तो दिस इज़ वेरी मच अचीवेबल दोस्तों. इसलिए मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की इच्छा भी है, तमन्ना भी है, जो इन चीज़ों में भाग लेना चाहते हैं और मेरी तरह इन चीज़ों के बारे में बहुत चिंतित भी रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता. लोग चिंताएँ ज़्यादा बताते हैं और समाधान कम बताते हैं.
तो जैसे मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ है कि जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है, हमें खुद उसको कोई ना कोई पर्पस देना पड़ेगा. तो इसी तरह से हम छोटे छोटे ऐसे कुछ पर्पसेस अपने बना लें तो आई थिंक हमारी जिंदगी बहुत और ज्यादा बेहतरीन हो जाए. अपने चाहने वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए एक एक ट्रीज डोनेट कीजिए. अपने दोस्तों को ट्रीज गिफ्ट कीजिए, उनके बर्थडे पे, वैलेंटाइंस पे ट्रीज, दिवाली पे ट्रीज. और देखिए हमारी ये जो दुनिया है, हमारी जिंदगी है, वो कैसे किस तरह से बदलती है और किस तरह से हमारा जो संबंध है जो धरती के साथ में, वो किस तरह से और ज़्यादा अच्छा हो जाता है. और क्योंकि हर दिन सुनने में आता है कि कहाँ बाढ़ हो रही है, कहाँ कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कैसे ना कैसे तो हम कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं. क्योंकि इंसान हमेशा, चाहे वो धरती से भोजन लेना हो, चाहे कॉन्क्रीट लेके घर बनाना हो, पेड़ काटकर हाथ सेकना हो, हमेशा धरती से निचोड़ते ही रहते हैं, कभी उसे वापस नहीं देते हैं. तो कुछ ऐसा कर लें कि जितना हो सके हम वी ट्राई एंड गिव बैक. उठ के एक दिन पेड़ काट देना इज नॉट समथिंग दैट शुड बी अलाउड. मैं बहुत स्ट्रांगली ये मानती हूँ कि जिस तरह से हम ह्यूमन लाइफ्स के अराउंड काम करते हैं, अगर आपको कोई बिल्डिंग डिमोलिश करनी हो, रेनोवेट करनी हो, तो आप थोड़ा ना वहाँ पे खड़े लोगों पे बुलडोजर चला देंगे. आप कुछ ना कुछ तो उनका इंतजाम करेंगे, उनको कहीं शिफ्ट करेंगे, उनको देखेंगे वो शिफ्ट हो गए, उनके सामान चले गए, तब तो जाके आप चलाएंगे वहाँ पे बुलडोजर. लेकिन पेड़ों के साथ में या एनिमल्स के साथ में क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं, ये अरेंजमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं? तो मेरा ये मानना है कि जो भी ट्रीज वहाँ पे काटे जा रहे हैं, एक 3-4 साल की योजना बनाकर पहले कुछ ट्रीज जो हैं, बिकॉज मुझे लगता है आर्य जो मिल कॉलोनी है काफ़ी स्कैंटी है, ऐसे भी वहाँ पे ट्रीज एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे है, बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है सैपलिंग्स जो है उसमें इंसर्ट करके लगाए जा सकते हैं, और उनका कुछ ना कुछ एक ग्रोथ रेट देख के, उनका सर्वाइवल रेट देख के, उसके अकॉर्डिंग फिर हम मेट्रो का इंतज़ार तो कर सकते हैं. लेकिन जो जो ट्रीज हैं उनको इस तरह से काट के हम इस शहर को एकदम कॉन्क्रीट जंगल नहीं बना सकते. प्रॉफिट ही प्रॉफिट है. आप देखिए जैसे ही पेड़ बढ़ेंगे धरती पे, तो हम लोगों का जितना ग्रीन कवर बढ़ेगा, तो इसमें क्या हमारा फ़ायदा नहीं है? सिर्फ सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इंसानों का ही है आई फील. बट डिपेंड करता है आपका, आपकी सोच कितनी ज़्यादा बारीक है. जो बारीक सोच वाले हैं, मुझे तो नहीं लगता मैं किसी और का फ़ायदा कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट. मुझे नहीं लगता है कि किसी और रेस को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा जितना कि ह्यूमंस को होगा. मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, क्योंकि ये जो देश है ये इतना कमाल का एक देश है जिसमें मैं पहाड़ों में पैदा हुई हूँ, तो वो लैंडस्केप को मैंने बचपन में जब मैं पैदा हुई थी तो बहुत चाहा, बहुत सराहा, बहुत खूबसूरत लगा. मुझे लगा इससे सुंदर जगह ही नहीं है कोई. फिर जब मैं महाराष्ट्र में आई तो फिर मैंने बीचेस देखी, मैंने कहा अरे ये क्या है, तो समंदर है और यहाँ पे पहाड़ बहुत छोटे होते हैं. तो मुझे लगा अच्छा इससे खूबसूरत अब कोई जगह ही नहीं है. देन आई प्लेड लक्ष्मीबाई, जो मुझे जब पूरा महाराष्ट्रन कल्चर का पता चला, तो मैंने पाइथनी सारी, तो मैंने एक बात पक्का कर ली कि इससे महाराष्ट्रन से बेटर कल्चर नहीं है. एंड नाउ दैट आई एम गेटिंग टू नो अबाउट तमिलनाडु एंड ऑल द योगा, क्योंकि इतना कम इन्वेजन वहाँ पे हुआ है, सो द इंडियननेस ऑफ दैट रीजन इज सो इंटैक्ट. तो आपको वहाँ जाके एक्चुअल में पता चलता है एक्चुअल इंडियननेस क्या है. वहाँ पे मुझे सब अक्का कहते हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, या अभी से ही मुझे तमिलनाडु में नाउ दे स्टार्टेड कॉलिंग मी अम्मा. सो यस आई एम लर्निंग तमिल. Talk to me after 2 months. yes, I think I want to have fun in my life. तो ऐसे ही मैं पूरा इंडिया में चाहती हूँ इस तरह से, जो मेरा भारत भ्रमण हो इस तरह से ही हो, God willing.